नमस्कार मित्रों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आरपीएफ एक्ट 1957 के सेक्शन 12 से आगे की चर्चा आज हम करेंगे। सेक्शन 12 बोलता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि बिना वारंट गिरफ्तारी का शक्ति। तो लिखा है एनी मेंबर ऑफ द फोर्स मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट, मतलब कि बल का कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उसके कंडीशन है, कंडीशन नंबर एक है एनी पर्सन हु वॉलेंटरली कॉजेज हर्ट टू और अटेम्प्ट्स वॉलेंटरली टू कॉज हर्ट टू और रॉन्गली रिस्ट्रेन और अटेम्प्ट्स रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन और असॉल्ट्स थ्रेटन टू असॉल्ट और यूजेज और थ्रेटन टू अटेम्प्ट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू हिम और एनी अदर मेंबर ऑफ द फोर्स इन द एक्सिक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मेंबर और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और टू डेटर हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज सच मेंबर और इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी थिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाई हिम इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मेंबर, मतलब वैसे व्यक्ति को जो या स्वेच्छा से ऑन ड्यूटी स्टाफ जो भी हैं उनको ऑन ड्यूटी बल के सदस्य को उनकी ड्यूटी करने के दौरान या तो हर्ट करता है या करने की कोशिश करता है या उनको सदोष अवरोध करता है या करने की कोशिश करता है या तो हमला करता है या करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ या तो क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या करने की कोशिश करता है, इन सभी कंडीशनों में उन्हें बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ विच हैविंग बीन कंसर्न्ड इन और हु इज फाउंड टेकिंग precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offence which relates to the railway property। अब दूसरी कंडीशन में है कि वैसा व्यक्ति जो अपने आप को एक रीजनेबल सस्पिशन में रखता है, साथ ही साथ अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उस अवसर पर उस सरकमस्टांसिस पे ऐसा लगता है कि वह रेलवे प्रॉपर्टी के साथ किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध को घटित कर सकता है, तो उस समय भी हम उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन दे रहा है एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द रेलवे लिमिट्स अंडर सरकमस्टांसिस which affords reason to believe that he is taking such precaution with a view to committing theft of or damage to our railway property or, मतलब तीसरे कंडीशन में कि वैसे व्यक्ति पर जिस पर यह शंका जाहिर होता है या वह अपनी छुपाव हासिल करता है, छुपाव हासिल करने की कोशिश करता है इस कारण से कि जिससे कि यह लगे कि वह रेलवे प्रॉपर्टी को या तो चोरी करने वाला है या उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उस व्यक्ति को भी हम बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। चौथा कंडीशन है एनी पर्सन हु कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट अ कॉग्निजिबल ऑफेंस विच इन्वॉल्व्स और विच इज लाइकली टू इन्वॉल्व इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ ऑफ एनी पर्सन एंग एज इज कैरिंग और करेंग ऑन एनी वर्क रिलेटेड टू रेलवे प्रॉपर्टी, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिस पर यह वो या तो कोई संज्ञेय अपराध कर दिया है या करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि किसी भी इस पैसेंजर के जान का खतरा हो, डेंजर टू द लाइफ है मतलब जान का खतरा हो, तो उन व्यक्ति को भी हम बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अगर हम अब सीआरपीसी के अनुसार देखें तो एक जनरल सा चीज़ यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट उसी कंडीशन में यूज़ होता है जब आपको एक युक्तियुक्त कारण हो उस व्यक्ति पर संदेह करने का और साथ ही साथ आपको वारंट लेने का समय ना रहे
और जब तक आप वारंट ले तब तक वो घटना घटित हो जाएगी। तो इस तरह के युक्तियुक्त संदेह और कारण पर ही आप किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उपरोक्त चारों कारण में यह दर्शाया गया है कि आप किसी भी कंडीशन में वारंट लेने की कोशिश करेंगे या मजिस्ट्रेट का आदेश लेने की कोशिश करेंगे तो वो घटना अंजाम में बदल चुकी होगी और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तो इस कारण आप उस कंडीशन में बिना वारंट के आप उसे गिरफ्तार करेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 13 बोलता है पावर टू सर्च विदाउट वारंट। हमने सेक्शन 12 में पढ़ा कि पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि बिना वारंट हम किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं और अब बिना वारंट हम किसी की तलाशी भी ले सकते हैं, क्योंकि अब उसके लिए भी कोई ना कोई युक्तियुक्त कारण चाहिए। तो वो युक्तियुक्त कारण जो है, जो सेक्शन 12 में बताया गया है, वही युक्तियुक्त कारण यहाँ पर भी लागू होगा। तो अब देखते हैं यह सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन कहता है, पहला क्लॉज है वैन एवर एनी मेम्बर ऑफ द फोर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर रक्षक, मतलब कि यहाँ सीनियर रक्षक रैंक है जो कि अब हेड कांस्टेबल रैंक हो गया है, जिसे कि हम लोग हेड कांस्टेबल रैंक बोलते हैं अब। तो हेड कांस्टेबल रैंक से बिलो का कोई भी जो है फोर्स मेंबर ऑफ द फोर्स सर्च नहीं कर सकता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्च करने का अधिकार किसे है, तो हेड कांस्टेबल एंड ऊपर के रैंक को है, उनके नीचे को नहीं है। तो बोलता है वैन एवर एनी मेंबर ऑफ द फोर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सीनियर रक्षक, आप सीनियर रक्षक को यहाँ पर हेड कांस्टेबल भी रख सकते हैं, हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी सच ऑफेंस एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 12 हैज़ बीन और इज बीइंग कमिटेड दैट अ सर्च वारंट कैन नॉट बी ऑब्टेंड विदाउट अफोर्डिंग द offender an opportunity of escaping or of concealing evidence of the offense, he may detain him and search his person and belongings forthwith, and if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offense. मतलब कि हवलदार से ऊपर के रैंक का, पद का, मेंबर ऑफ द फोर्स बल का सदस्य जो कि सेक्शन 12 में दिए गए ऑफेंस का रेफर करता हो और उस कंडीशन में हम सर्च वारंट लेने की स्थिति में ना हो, क्योंकि वह अगर हम सर्च वारंट लेने जाएं तब तक वो उसको वहाँ से भाग जाए या फिर एविडेंस को छुपा दे, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उस पर्सन का सर्च कर सकते हैं और सर्च के साथ साथ उसके बिलोंगिंग्स को भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप उसे प्रॉपर पाते हैं तो फिर उसे अरेस्ट कर सकते हैं। अब जब हम अरेस्ट कर लेंगे तो अरेस्ट में कौन सा प्रोसीजर करेंगे, तो ये सेक्शन 2 यहाँ पर क्लॉज 2 जो है वो क्लियर करता है कि द प्रोविज़न ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 रिलेटिंग टू सर्च अंडर दैट कोड सेल so far as may be apply to searches under this section, मतलब कि आप अब तलाशी कैसे लेंगे, तो तलाशी की वही प्रक्रिया यहाँ पर उपयोग में लाई जाएगी जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 में वर्णित है। अब ये सर्च का क्या प्रोसीजर है, जब मैं आपको CRPC 1973 बताऊँगा तो वहाँ इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो ये था सेक्शन 13। सेक्शन 14 क्या है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट, मतलब कि अब आप किसी व्यक्ति को शक हुआ, उसको आपने विदाउट वारंट अरेस्ट किया, विदाउट वारंट सर्च किया और उसके बाद अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के बाद उसको हमारी क्या प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया ये है कि एनी मेंबर ऑफ द फोर्स मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस एक्ट शैल विदाउट नेसेसरी डिले मेक ओवर द पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। मतलब क्या है कि इस एक्ट के तहत जिसे भी, जिस मेंबर ऑफ द फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया है, तो वो बिना किसी देरी के उसे पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा, मतलब देगा, और अगर
आपका पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वो उसे लेकर तुरंत ही नज़दीकी थाने में ले जाएगा और वहाँ उसे हैंडओवर करेगा।